तो आप कैसे हैं? तो चलिए, ये आपका एक प्यारा सा चैनल है आईपीसी फिजिक्स और मेरा नाम है मुकेश सर। तो चलिए, इसके पहले वेव ऑप्टिक्स में, तो इसके पहले हम लोग वेव ऑप्टिक्स में जहाँ तक पढ़े थे, थोड़ा हम उस पर बात करते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। क्लियर? और पीछे भी आप हमको बड़ी अच्छी तरीके से आप देख रहे हैं, और ये बात भी हम आपको बहुत बार बोल चुके कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए, हम लोग शुरू किए थे तो हम लोग पढ़े थे कि ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मान लीजिए कि एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और दो केस के लिए जब इसी का जिक्र हम किए थे तो ये आपको निकल गया था कि इट इज़ आई वन बाई आई टू, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। यहाँ पर एक लाइट है जिसका इंटेंसिटी आई वन है तो एम्पलीट्यूड ए है, दूसरा लाइट जिसका इंटेंसिटी आई टू है तो एम्पलीट्यूड क्या है? बी है। ना, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ना चलिए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये आपका हो गया इंटरफेरेंस, कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का व्यक्तिकरण, कि प्रकाश का व्यक्तिकरण। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रकाश का व्यक्तिकरण क्या है। कि जैसे आपने देखा कि जब लाइट वेव चलती है, प्रोपागेट करती है, तो कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब प्रकाश की तीव्रता होता है, तो कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाती है और कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाती है। क्लियर? कि जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट मिनिमम होगा तो वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मिनिमम हो जाएगी। इसी फेनोमेनन को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये कहता है कि व्हेन टू लाइट वेव्स, कि जब दो लाइट वेव, कि व्हेन टू लाइट वेव्स, तो ये आपका हो गया कि व्हेन टू लाइट वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड, व्हेन टू लाइट वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड विथ ईच अदर, देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स, the intensity of light becomes maximum or minimum, becomes maximum or minimum. This phenomenon is called interference of light. कि इसे ही हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। तो इट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्लियर? तो ये आपका हो गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कहने का मतलब हुआ कि जब दो प्रकाशीय तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम और न्यूनतम हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता महत्तम और न्यूनतम हो जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का
इस प्रक्रिया को प्रकाश का व्यक्तिकरण व्यक्तिकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। तो ये आपका हुआ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो लाइट वेव चलेगी और एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है, मतलब हुआ कि एक दूसरे के साथ अगर जुड़ती है तो वह पॉइंट कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कहीं पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगी तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाएगी, और कहीं पर आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम होगी तो जहां मिनिमम होगी वहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी मिनिमम हो जाएगी। इसी प्रक्रिया को इंटरफेरेंस कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हुआ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखो, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दो प्रकार का होता है। तो पहला पार्ट, तो एक को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो इसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है संपोषी, कि संपोषी व्यक्तिकरण, संपोषी व्यक्तिकरण। क्लियर? दूसरा पार्ट आपका आता है जिसे हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव, कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो ये आपका हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग कहते हैं अविनाशी, अविनाशी व्यक्तिकरण। क्लियर? तो ये हो गया। तो ये दो प्रकार का होता है, एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, दूसरा क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वैसे तो नाम से भी कुछ समझ में आ जाता है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है कि कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, कुछ अच्छा वर्क हो रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि हम डिस्ट्रक्टिव वर्क कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ के अनुसार कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है। तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक आप राइट करें, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए ओके, कंप्लीट। तो ये आपका हुआ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट आपका दो प्रकार का होता है, एक को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। क्लियर? तो देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अब हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। ओके, तो ये आपका हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो इसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हिंदी आप लोग जान ही चुके हो को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग क्या कहते हैं? संपोषी, कि संपोषी व्यक्तिकरण। तो वही जैसा हम आपसे बात किए कि जब दो लाइट वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है तो वह बिंदु जहां प्रकाश की तीव्रता महत्तम हो जाती है, प्रकाश की तीव्रता महत्तम हो जाती है, उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्लियर? तो ये कहता है कि व्हेन टू लाइट वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड विथ ईच अदर देन द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी कि वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मैक्सिमम। क्लियर? तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर? तो समझ भी गए होंगे बात को। कहने का मतलब हुआ कि जब दो प्रकाशीय तरंग, कि जब
जब दो प्रकाशीय तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो वह बिंदु जहां प्रकाश की तीव्रता महत्तम हो जाती है संपोषी व्यक्तिकरण कहते हैं। तो ये आपका हो गया संपोषी व्यक्तिकरण। तो संपोषी व्यक्तिकरण कहते हैं, क्लियर? तो ये आपका हो गया क्लियर कि वैसा पॉइंट जहाँ पर आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो रही है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, क्लियर? और इसके जस्ट अपोजिट आपका क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जस्ट अपोजिट इसका हो जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर? तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नाउ हम लोग देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपका हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब हुआ अविनाशी, कि अविनाशी व्यक्तिकरण, क्लियर? अब आप देखो यहां पर अविनाशी व्यक्तिकरण, तो अंतर कहां पर करना है? तो अंतर सिर्फ ये मैक्सिमम होता है तो यहां क्या हो जाएगा? ये यहां आपका मिनिमम हो जाएगा, क्लियर? तो उसी तरीके से आप इसको भी डिफाइन करो कि व्हेन टू लाइट वेव्स आर सुपरइम्पोज्ड, सुपरइम्पोज्ड विथ ईच अदर देन द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बिकम्स मिनिमम इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये आपका बन गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्लियर? तो चलिए, बहुत ईजी है। तो ये कहता है कि जब दो लाइट वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है, तो वह बिंदु जहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जब दो लाइट वेव सुपर इम्पोज होती है तो वह बिंदु जहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट न्यूनतम हो जाती है उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कि जब दो प्रकाशीय तरंग, इसे भी आप उसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो प्रकाशीय तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो वह बिंदु जहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है अविनाशी व्यक्तिकरण कहते हैं। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो चलिए, बहुत आराम वाला पार्ट था और अच्छी तरीके से आप समझ भी गए होंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है। तो चलिए, इसे भी आप राइट करें, ओके, कंप्लीट। और बाकी अगर आपको लिखने में थोड़ा दिक्कत भी होती है तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, फिर आगे देखें, क्लियर? तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो चलिए, इसमें आपको दो बातें पता चली,
इसका मतलब ये हुआ कि जब दो लाइट वेव एक दूसरे पर सुपर इम्पोज्ड होती है तो कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाती है और कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाती है। जहाँ पर मैक्सिमम होती है उसे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहते हैं, और जहाँ पर वो मैक्सिमम होती है वो पार्ट, वो भाग क्या होता है, ब्राइट हो जाता है। तो ब्राइट होने का मतलब वहाँ पर थोड़ा सा वो चमकता हुआ नज़र आएगा, और जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाती है वो पार्ट थोड़ा डार्क नज़र आता है, वो पार्ट थोड़ा सा डार्क नज़र आता है। क्लियर? तो इसे ही हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। क्लियर? निश्चित समझ गए होंगे ना। देखें, इसके बाद आपका आता है जिसे हम लोग कहते हैं यंग्स डबल, कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में YDSE बोलते हैं। क्लियर? यंग आपका साइंटिस्ट का नाम था, कि यंग का द्वि छिद्र प्रयोग। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले आप यंग नाम के साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया कि इंटरफेरेंस होता है, मतलब दो लाइट वेव को सुपर इम्पोज कराया और उसके बाद उन्होंने देखा कि कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम हो जाती है, जहां मैक्सिमम होती है वहां पर प्राप्त फ्रिंज ब्राइट हो जाता है, और कहीं पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम हो जाती है, और जहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिनिमम होती है उसे उस जगह डार्क फ्रिंज प्राप्त होता है। डार्क कहने का मतलब पूरा अंधकार नहीं, थोड़ा कम लाइट रहता है। क्लियर? तो इसे ही हम लोग कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्लियर? अब देखो, इसमें इन्होंने क्या क्या किया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक पॉइंट सोर्स लिया, या मान लो यहाँ पर लाइट आ रही है, इस तरीके से एक स्लिट बना दिया, तो ये हमने पॉइंट सोर्स बना लिया। अब आप जानते हो कि अगर पॉइंट सोर्स बनता है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल होता है। तो ये लाइट अब यहाँ से इस तरीके से स्फेरिकल वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ेगी। क्लियर? तो ये लाइट आपका अब यहाँ पर, एक देखो, एक आपका पूरा बोल्ड लाइन है, दूसरा आपका डॉटेड लाइन है। तो यहाँ पर इस बोल्ड लाइन को, तो बोल्ड लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं ट्रॉ, TROUGH। तो ट्रॉ, क्रेस्ट का मतलब होता है सिरिंग और ट्रॉ का मतलब होता है गर्त। कि जैसे आपका जब लाइट वेव चलती है तो ये आपका लाइट वेव इस तरीके से ट्रांसवर्स वेव के रूप में चल रही है, इसे हम लोग क्रेस्ट कहते हैं और इसे ट्रॉ कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हुआ क्रेस्ट और ट्रॉ। अब यहाँ से देखो, ये लाइट आगे बढ़ी तो ये आपका सेंटर लाइन है। चलिए इस सेंटर लाइन को आगे दिखा देते हैं। फिर हम इससे कुछ दूरी पर क्या करते हैं, दो स्लिट बनाते हैं, मतलब एक ही लाइट को दो भाग में बांट दिए। क्लियर? तो ये यहाँ से आपका एक S1 बना और दूसरा क्या बना, S2 बना। मतलब एक ही लाइट है, एक ही लाइट को हमने दो भाग में बांट दिया, तो मोनोक्रोमेटिक हो गया। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है कि वह लाइट जिसका वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सारा समान हो। वेवलेंथ का मतलब तरंगदैर्ध्य, एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम, फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, एक फेज में हो, मतलब एक ही एंगल पर जा रहे हो, या सेम इनिशियल फेज डिफरेंस हो। तो ये सारे पॉइंट्स अगर सेम होते हैं तो उसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब क्या होगा, अब यहाँ से सोचो, यहाँ पर एक हमने पॉइंट सोर्स लिया तो यहाँ से स्फेरिकल रूप में आगे बढ़ना शुरू किया। अगेन क्या होगा, अगेन आप जब यहाँ पर लोगे तो यहाँ से भी लाइट आपका स्फेरिकल रूप में आगे बढ़ेगा, इधर भी और क्या होगा, इधर भी। अगेन क्या होगा, अब ये क्रेस्ट का लाइन था तो ये ट्रॉ का लाइन आया, तो इस तरीके से यहाँ भी ये बनेगा, और इसी तरीके से आपका लाइट स्फेरिकल रूप में आगे बढ़ती चली जाएगी। ओके? क्लियर? अब इसके बाद, चूंकि हमको पूरा, और इसी तरीके से ये स्फेरिकल रूप में आगे बढ़ेगी, अब एक लाइट वेव इधर से ऐसे चल रही है, दूसरी लाइट वेव इधर से वैसे चल रही है, आगे क्या होगा, आगे एक लाइट वेव दूसरे लाइट वेव पे सुपर इम्पोज होगी, उसको काटने लगेगी।
ठीक है, तो देखिए किस तरीके से होगा। चलिए यहां पर हम इसका स्क्रीन लेते हैं, तो ये आपका हो गया स्क्रीन, तो ये हो गया स्क्रीन। अब यहां पर एक दो, इधर भी आप उतना ही दूरी पे अप्रोक्स दिखा दीजिए, क्लियर। तो इस तरीके से सबसे पहले आप चार लाइन को ड्रॉ कर दीजिए, ओके। अब देखना यहां से हम क्रेस्ट का लाइन उठा रहे हैं, तो ये क्रेस्ट का लाइन यहां आया, फिर ये क्या होगा, ये इस तरीके से क्रेस्ट का लाइन बना, फिर ये इस तरीके से आएगा और ये आपका इस तरीके से गया, और इसी तरीके से ये लाइट वेव एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ेगी, क्लियर। तो ये एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ रही है, क्लियर। तो ये आप इस तरीके से ये आपका हो गया, ओके। अब हम लोग ड्रॉ का लाइन देखते हैं। जब देखो यहाँ पर ये यहाँ से ये लाइन ड्रॉ के आगे चलेगी और इस तरीके से पॉइंट को काटते हुए यहाँ पर आके मिली, इधर से भी ये लाइट इस तरीके से ड्रॉ पर काटते हुए आगे बढ़ेगी, फिर क्या होगा, फिर आपका यहाँ से ये लाइट इस तरीके से मिली, फिर ये लाइन इधर मिली, अगेन आप देखते जाओ एक एक करके, तो ये सारा लाइट एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ रही है, ओके। अगेन ये आपका यहाँ बना और ये आपका इस तरीके से, फिर ये डॉटेड लाइन ऐसे मिल जाएगी, क्लियर। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्क्रीन पर फ्रिंज प्राप्त हुआ। अब एक बात यहाँ पर गौर देने के लायक है, कहता है कि अगर एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पर इंसिडेंट होता है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है, दूसरे का कहता है कि अगर एक का ट्रॉ दूसरे के ट्रॉ पर इंसिडेंट होता है तो वहाँ भी लाइट मैक्सिमम होती है। अब यहाँ देखो ये क्रेस्ट क्रेस्ट मिला, ये ट्रॉ ट्रॉ मिला, ये क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रॉ ट्रॉ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रॉ ट्रॉ क्रेस्ट ट्रॉ। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर लाइट मिल रही है उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा और वहाँ जो फ्रिंज प्राप्त होगा वो फ्रिंज कैसा होगा, ब्राइट होगा। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल जाता है कि सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होता है। अब इसके ऊपर वाले लाइन को आप देखो, इस लाइन को अगर देखें तो एक का क्रेस्ट है दूसरे का ट्रॉ है, अगेन एक का क्रेस्ट दूसरे को, मतलब हर एक पॉइंट पर आपको एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रॉ पर इंसिडेंट हो रहा है। तो जहां पर एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रॉ पर इंसिडेंट हो रहा है वहां पर डार्क फ्रिंज प्राप्त होगा, तो वो डार्क हो गया। इसी तरीके से इस लाइन को भी आप चेक करें तो यहां भी आपको डार्क फ्रिंज प्राप्त होगा। अगेन उसके ऊपर वाला लाइन को देखो, ऊपर वाला लाइन को जब हम देखते हैं तो यहां भी क्या हो रहा है, या तो क्रेस्ट क्रेस्ट है ट्रॉ ट्रॉ है, तो ये फिर ब्राइट होगा, ये फिर ब्राइट होगा, और इसी तरीके से हमें अल्टरनेटिवली ब्राइट और डार्क फ्रिंज स्क्रीन पे प्राप्त हो जाता है, क्लियर। तो इसी को हम लोग कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्लियर। अब देखो इसी बात को, सारे चीज को समझा के लिखना है कि ये आखिर है क्या, क्लियर। तो चलिए उसके लिए हम इसको मिटा देते हैं। अब क्रेस्ट क्रेस्ट और ट्रॉ आप समझ गए कि क्रेस्ट क्या होता है और ट्रॉ क्या होता है। अब इसमें था क्या क्या, तो सबसे पहले तो देखो आराम से कि इट कंसिस्ट ऑफ ए पिन होल एस, या पॉइंट सोर्स भी आप लिख सकते हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, पिन होल एस, क्लियर। आफ्टर सम डिस्टेंस, यहां से थोड़ा डिस्टेंस पर, तो ये आपका होगा कि आफ्टर सम डिस्टेंस टू स्लिट S1 and S2 आर प्रेजेंट। कहने का मतलब हुआ कि यहां से कुछ दूरी पर आपको दो स्लिट है S1 और S2 जो आपका प्रेजेंट है, क्लियर। ये कहता है कि जब आपका कोई लाइट वेव, कि व्हेन ए लाइट वेव, तो ये आपका हो जाएगा कि व्हेन ए लाइट वेव फॉल्स ऑन एस, क्लियर। ए स्फेरिकल वेव आर स्प्रेड आउट
स्प्रेड आउट फ्रॉम एस. अगेन अगेन स्फेरिकल वेव, अगेन स्फेरिकल वेव आर स्प्रेड, स्फेरिकल वेव आर स्प्रेड फ्रॉम एस वन एंड एस टू, एस वन एंड एस टू ऑल्सो. क्लियर? एस वन और एस टू ऑल्सो. क्लियर? बोथ वेव्स, बोथ वेव्स आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड, सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड एंड वेव लेंथ. क्लियर? तो इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे. अब क्या होगा? तो ये कहता है कि दोनों वेव का एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ सेम है. क्लियर? तो ये आपका वेवलेंथ दोनों का सेम है. क्लियर? अब क्या होगा? तो दोनों का वेवलेंथ स्वाभाविक भी बात है, एक ही लाइट को हमने दो भाग में बांट दिया तो दोनों का तो सेम होगा ही. तो कहता है सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ एंड इंटरफेरेंस बैंड, इंटरफेरेंस बैंड्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन. क्लियर? कहता है कि when crest of one wave falls on crest of other wave, crest of other wave. कहने का मतलब हुआ कि when crest of one wave falls on crest of other wave, और भी आप लिख सकते हैं, और trough of one wave, one wave falls on trough of other wave. क्या हो जाएगा? तो the intensity of light becomes maximum and interference fringe becomes bright. Interference wave fringe becomes bright. तो चलिए आप यहाँ तक राइट करें, फिर हम आगे लिखते हैं. क्लियर? तो इंटरफेरेंस फ्रिंज बिकम्स ब्राइट. ओके? तो चलिए 100% थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसी तरीके से अब हम थोड़ा ऊपर से रब करते हैं. तो ना देखो आपका कि इंटरफेरेंस बैंड बिकम्स ब्राइट. क्लियर? इसके अपोजिट क्या होगा? तो इसके अपोजिट आपका होगा कि जब एक का क्रेस्ट कि व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव, तो ये आपका होगा कि व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव falls on trough of other wave, the intensity of light becomes minimum and interference fringe
इंटरफेरेंस फ्रिंज बिकम्स, इंटरफेरेंस फ्रिंज बिकम्स बिकम्स डार्क, इंटरफेरेंस फ्रिंज बिकम्स डार्क, क्लियर। दिस फेनोमेनन सूच या डिफाइंस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। दिस फेनोमेनन डिफाइंस इंटरफेरेंस, तो दिस फेनोमेनन डिफाइंस इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, क्लियर। तो ये जो घटना है यही आपके इंटरफेरेंस को बताता है, क्लियर। तो इस तरीके से अगर आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पूछता है तो ये आपका 100% थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें आपको कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं होते हैं। तो इसमें आपको 100% थ्योरी लिखना है, और जिस तरीके से हम थ्योरी लिखे हैं तो इसी तरीके से आपको थ्योरी लिखना है, क्लियर। तो चलिए प्लीज आप यहां तक राइट करें, फिर हमें हिंदी भी लिखना होगा, तो फिर इसके बाद हम हिंदी भी बोल देंगे। चलिए प्लीज राइट करें। ओके कंप्लीट, ओके कंप्लीट, क्लियर। नाउ देखिए अब इसका हम हिंदी लिखने जा रहे हैं आपके लिए, क्लियर। चलिए अब हम थोड़ा सा फिगर भी आपको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा जगह मिल जाएगा लिखने के लिए ज्यादा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ लिखना ही लिखना। ओके कंप्लीट। तो नाउ देखो अब इसमें कि इसमें एक पिन होल एस होता है, पिनहोल एस होता है, और उससे कुछ दूरी पर दो स्लिट S1 और S2 रहता है, क्लियर। जब प्रकाशीय तरंग S पर आपतित होती है तो वह गोलीय तरंग के रूप में विस्तार करती है या आप आगे बढ़ती है, तो गोलीय तरंग के रूप में विस्तार करती है पुनः S1 और S2 से भी प्रकाश गोलीय तरंग के रूप में आगे बढ़ती है। क्लियर। दोनों तरंग का आयाम और तरंग दैर्ध्य समान, कि दोनों तरंग का आयाम और तरंग दैर्ध्य क्या होता है, समान रहता है, और पर्दे पर इंटरफेरेंस पैटर्न देती है, क्लियर। जब एक तरंग का क्रिस्ट दूसरे तरंग के क्रेस्ट पर या
या एक तरंग का ट्रव, या एक तरंग का ट्रव दूसरे तरंग के, दूसरे तरंग के ट्रव पर ट्रॉपर ट्रॉपर अध्यारोपित होती है, ट्रॉपर अध्यारोपित होती है तो प्रकाश की तीव्रता महत्तम होती है और प्राप्त फ्रिंज कैसा होता है, तो प्राप्त फ्रिंज ब्राइट होता है। क्लियर। अब बात आती है ट्रो की, को जब एक का क्रेस्ट कि जब एक तरंग का क्रेस्ट कि जब एक तरंग जब एक तरंग का क्रेस्ट दूसरे तरंग के जब एक तरंग का क्रेस्ट दूसरे तरंग के दूसरे तरंग के दूसरे तरंग के ट्रॉ पर अध्यारोपित होती है तो प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है और प्राप्त फ्रिंज डार्क होता है। यही घटना प्रकाश के व्यक्तीकरण को प्रदर्शित करती है। क्लियर। तो ये था आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपने देखा कि ये आपका 100% थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और 12th क्लास के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाकी उसके ऊपर में आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर। लेकिन अगर आप 12th में हैं और 12th के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्लियर। तो चलिए, इसको आप आराम से 2-3 बार जब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे, तो ये हर एक बातें आपको लाइन बाय लाइन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत सरल भाषा में इसे तैयार किया है। क्लियर। तो इसी तरीके से देखते रहें, और अच्छा लगे तो पीछे भी बोल चुके हैं फिर बोल देते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। क्लियर। तो अगेन हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।